हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 12 जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा नर्व कर्व्स के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पॉलीगॉन टूल्स और उसके कुछ फंक्शंस के बारे में। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था नर्व कर्व्स के बारे में, तो नर्व कर्व्स बेसिकली होता है सरफेस जो बना होता है कर्व से। अब वो कर्व इटसेल्फ बनी हो या पाथ से, तो अब आपको यहाँ दो शेप्स हो रहे हैं हमारे सीन में। तो अगर मैं इस नर्व सरफेस को क्लिक करूँ कि यहाँ जो स्ट्रेट लाइन है इसकी डिटेल्स में अटैच होने के बजाय जो डिटेल्स की नर्व सरफेसेस पर हैं वो डिटेल्स हैं कर्व्स में। और उसके अलावा नर्व सरफेसेस में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं पॉलीगॉन सरफेस से, जैसे पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट्स में होते हैं एज, वर्टेक्स और फेस। पर अगर हम राइट क्लिक करें नर्व सरफेसेस पर तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स शो हो रहे हैं जैसे पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट्स में होते हैं। अब इन कंपोनेंट में जो मेन कंपोनेंट है वो है कंट्रोल वर्टेक्स। अगर हम इसे क्लिक करें तो ये बहुत सिमिलर है पॉलीगोनल मॉडलिंग के वर्टेक्स से, पर ये थोड़ा दूर आपको शो हो रहे होंगे सरफेस से, क्योंकि कभी ये इनसाइड होते हैं और कभी ये आउटसाइड होते हैं डिपेंड ऑन द सरफेस। और अगर हम इन वर्टेक्स को क्लिक करें और मूव करें तो ये देखेंगे ऑर्गेनिक वे में मूव हो रहे हैं और हम इसे जेंटली फॉर्म में शेप कर पा रहे हैं और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं पॉलीगोनल मॉडलिंग के वर्टेक्स से। अब इसके बाद अगर हम राइट क्लिक करें तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है हल्का। अगर हम इसे सिलेक्ट करें अभी हमें यहाँ ये स्ट्रेट लाइन भी शो हो रहे हैं जो हमें शो नहीं होती नर्व बेस सरफेस पर। और ये सारी स्ट्रेट लाइन्स कनेक्ट होती हैं कंट्रोल वर्टेक्स से और कंट्रोल वर्टेक्स पॉइंट्स होते हैं जो सरफेस पर होते हैं। अब अगर हम ऑब्जेक्ट मोड पर जाएँ और अगर मैं इसे थोड़ा क्लोजली देखूं, तो यहाँ आपको ये एक लाइन शो हो रही है जो थोड़ी थिकर है बाकी लाइन से। तो ये इसलिए होती है क्योंकि नर्व सरफेस हमेशा एक रेक्टेंगुलर पेज से बना होता है। इसे आप ऐसे समझ लें कि ये एक पीस ऑफ पेपर है जिसे हम वेप कर सकते हैं। तो अगर मैं एट्रीब्यूट एडिटर पर जाऊँ या नेक नर्व स्फेयर पर जाऊँ तो यहाँ हमारे पास है स्टार्ट एंड एंड स्वेप। तो अगर मैं स्टार्ट स्वेप इंक्रीज करूँ तो ये आपको इस लाइन से ब्रेप होती हुई शो हो रही होगी इस सरफेस पर। अब इसके बाद अगर मैं इस साइलेंडर को देखूं तो यहाँ भी हमारे पास सेम लाइन है जो थिकर है बाकियों से। और अगर एट्रीब्यूट एडिटर पर जाएं और फिर यहाँ जाके देखें तो सेम वही स्टार्ट शेप और एंड शेप है जिसको इंक्रीज करने से पेपर टाइप शेप ब्रेप हो रही है। तो ये था कंपोनेंट ऑफ नर्व्स। अब मैं बताता हूँ आपको प्रिमिटिव्स के बारे में। तो एक बेसिक वे नर्व सरफेसेस बनाने का होता है हमारे पास प्रिमिटिव्स। जैसे हमारे पास पॉली मॉडलिंग में प्रिमिटिव्स थे तो हम प्रिमिटिव से अपनी नर्व सरफेस बना सकते हैं, या अगर हमें बिल्कुल बेसिक से बनाना हो तो हम बनाते हैं कर्व से और फिर इसको एडजस्ट करते हैं जो मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 10 में। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब प्रिमिटिव्स हमें मिल जाएगा यहाँ क्रिएट में जाके नर्व प्रिमिटिव से। और अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक स्पेस पर क्लिक करूँ तो ये प्रिमिटिव्स हमारे पास सीन में आ गए हैं। अब जो हमारे पास सबसे पहले है वो है स्फीयर। तो मैं ये इंटरेक्टिव क्रिएशन को ऑन करके रखता हूँ। तो ऐसा करने से मुझे बस क्लिक और ड्रैग करना होगा ग्रिड पर और ये हमारा स्फीयर बन गया है। अब अगर एट्रीब्यूट एडिटर पर जाएँ और फिर ये नर्व स्फीयर पर, अब यहाँ हम इसके सेक्शन बढ़ाना चाहें या स्पेंस को इंक्रीज करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं यहाँ जाके। और ये पॉलीगोनल स्फीयर वाली हमें डिटेल दे देगा और स्वेप करने से वही होगा जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी ऑब्जेक्ट मोड करके इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब हम चलते हैं सिलेंडर पर। अगर मैं इसे ड्रैग करूँ और अब हाइट दूँ तो ये सेम पॉलीगोनल सिलेंडर की तरह ही बन रहा है। पर जो नर्व सिलेंडर होता है वो 3 सेपरेट ऑब्जेक्ट से कंप्राइज होता है। तो अगर आप यहाँ आउटलाइनर पर देखें तो यहाँ हमारे पास एक हायरार्की शो हो रही है। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करूँ तो हमारे पास यहाँ इस सिलेंडर के 2 चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं, बॉटम और टॉप कैप्स। अब अगर मैं यहाँ इस टॉप कैप को सिलेक्ट करके मूव करूँ तो आप देख रहे होंगे ये एक सेपरेट पार्ट है। तो अगर हम चाहें तो हम इनकी कैप्स को डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें कि नेक्स्ट टाइम जब हम सिलेंडर बनाएं तो कैप ना बने तो हम यहाँ ऑप्शंस में जाएंगे सिलेंडर के और इसकी कैप्स पर जाके नन कैप पर क्लिक कर देंगे। और अगर
या सिर्फ टॉप चाहिए तो टॉप पर क्लिक कर देंगे, अगर बॉटम चाहिए तो बॉटम को, और दोनों चाहिए तो बोथ को। अब हम इसे भी डिलीट कर देते हैं और ये सब ही एक रेक्टेंगुलर पेज है। अब अगर मैं आउटलाइनर पर जाऊँ तो हमें यहाँ ये नर सरफेस नोड शो हो रहा है, और इसे हम एक्सपेंड करें तो क्यूब के 6 पार्ट शो हो रहे हैं और ये सब सेपरेट पेज हैं। अगर हम इनको सिलेक्ट करके मूव करें तो आपको ये सेपरेटली मूव होता हुआ शो हो रहा होगा। अब अगर मैं नोड को क्लिक करूं तो एट्रीब्यूट एडिटर पर हमें एक ही टैब शो हो रहा है, पर अगर इन्हें हम सेपरेटली चेक करें तो ये हमारे पास बहुत सारी टैब्स शो हो रही हैं। अब अगर हम नर्व क्यूब में जाएं तो यह हमारे पास है क्यूब हिस्ट्री, तो अगर हम इसे इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे बाकी पेजेस हैं तो इनके अंदर भी सेम चेंजिंग आ रही है जो हम किसी भी सिंगल पेज पर कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम चाहें कि हम इनमें से किसी पेज को डिलीट करें तो हम वो पेजेस डिलीट करके बाकी पेजेस पर काम भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इन सबको भी डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद है कौन, तो कौन में ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं, तो उसे मैं बस बना कर दिखा देता हूँ और अब इसे डिलीट भी कर देता हूँ। इसके बाद है प्लेन, तो अब हम इसे सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं। अब एट्रीब्यूट एडिटर पर जाकर हम इसमें डिटेल्स ऐड करते हैं यू और वी से, और अब हम जाते हैं कंट्रोल वर्टेक्स पर राइट क्लिक करके। अब अगर मैं इसको शेप दूं इन वर्टेक्स को क्लिक करके तो ये देखें कितना स्मूथर ये शेप हमारे पास बन गया है। तो ये अगर हमें कोई माउंटेंस या सीनरी शेप के लिए मॉडल चाहिए हो तो हम इनसे बना सकते हैं। तो अभी हम इसे भी डिलीट कर देते हैं ऑब्जेक्ट मोड पर जाके। अब है यहाँ टोरस और ये है डोनट शेप की तरह का सरफेस। तो अब इसे बनाने के बाद अगर हम जूम करें तो इसमें दो थिक लाइंस हैं, एक यहाँ साइड पर और एक इसके बॉटम साइड पर। अब अगर हम एट्रीब्यूट एडिटर पर जाएं और नर्व टोरस पर, तो यह हमारे पास है माइनर स्वीप। अब हम इसकी वैल्यूज चेंज करें और यहाँ स्टार्ट की तो ये फोर साइडेड जो पेज है, अगर हम इसे इंक्रीज करें तो ये बन जाएगा सिलेंडर, और अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये बन जाएगा टोरस शेप। तो ये थी प्रिमिटिव्स ऑफ नर्व्स, जो कि नर्व्स मॉडलिंग करने में बहुत काम आती हैं, और इनके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो आप 10th लेक्चर में देख लें। पर इनसे हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास एक और वे है नर्व क्रॉस को सरफेसेस में चेंज करने का, वो है लॉफ्ट। और लॉफ्ट के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा कर्व चाहिए होते हैं और फिर उनको बीच में से स्ट्रेच कर देते हैं तो हमारे पास लॉफ्ट शेप बन जाता है। तो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको सिखा देता हूँ। तो अब मैं इस सर्किल को सिलेक्ट करता हूँ, ड्रैग करता हूँ। अब ये सर्किल है, इसको मैं थोड़ा मैनिपुलेट करता हूँ। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में जाके मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी। अब मैं इसकी शेप चेंज करके दोबारा एक और डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर देता हूँ। अब हमें लॉफ्ट क्रिएट करने के लिए सिक्वेंस वाइज सिलेक्ट करना होता है, वरना हमारा ऑब्जेक्ट ठीक नहीं बनता। तो अब मैं पहले सिलेक्ट करूँगा इस बॉटम को, फिर शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करूँगा इस सेंटर को, और अब इस टॉप को। अब इनको सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ सरफेस पर और यहाँ से फिर लॉफ्ट पर। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा लॉफ्ट को तो ये हमारे पास एक सरफेस बन गया है, और अगर हम इसको मैनिपुलेट करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। बस हमें सरफेस के ओरिजिनेटेड कर्व्स को मैनिपुलेट करना होगा मूव या स्केल से, और हमारी शेप चेंज हो जाएगी। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ शेप बनाने के लिए, जो है प्लेनर। पर उससे पहले आपको एक चीज़ मैं समझा देता हूँ जो उससे ही रिलेटेड है। तो मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 10 में बेसिक से कर्व बनाना सिखाया था, तो उसमें एक चीज़ एडिशन में आपको बता देता हूँ कि जब हम क्रिएट पर जाएं और कर्व टूल से सीवी कर्व टूल पर जाएंगे, तो अब मैं अगर कोई शेप बनाता हूँ
जिसे अभी मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, तो ये मैंने पॉइंट्स दे दिए हैं। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस लास्ट रोड पर आऊँगा तो अब ये इसके साथ कंपाइल हो जाए, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्लिक करने से ये एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाए। तो अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो ये देखें, यहाँ एक और रोड बन गया है पर यह क्लोज नहीं हुआ। तो इसे क्लोज करने के लिए हमारे पास माया में एक फीचर है जो है ओपन क्लोज का। तो अब ये जो हमारा गैप है, हम इसे यहीं छोड़ के इंटर प्रेस करेंगे और अब जाएंगे यहाँ कर्व्स पर, और कर्व्स में जाके ओपन क्लोज पर। तो अगर हमें क्लोज करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये गैप क्लोज हो जाएगा, और अगर हम चाहते हैं कि हम इसे दोबारा ओपन कर दें तो हम दोबारा यहाँ ही जाके ओपन क्लोज पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन भी हो जाएगा। तो ऐसे हम अपने कर्व को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वापस प्लेनर टूल पर। तो अब ये जो मैंने शेप बनाई हुई है, इसको बना के जब मैं क्लिक करूँगा सरफेस में जाके प्लेनर पर, तो अब देखिए हमारे पास एक प्लेनर सरफेस बन गया है। तो जब हम कर्व बना के उस कर्व को क्लोज कर दें और फिर प्लेनर पर क्लिक करें तो ये हमारे उस शेप को फिल कर देगा। और अभी ये डार्क शो हो रहा है, पर हम यहाँ लाइटिंग में जाके टू साइडेड लाइटिंग पर क्लिक करेंगे तो अब ये हमें ठीक शो हो रहा है। अब इसके बाद ये बिल्कुल फ्लैट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कंट्रोल वर्टेक्स पर जाएं और अगर मैं इसे मूव टू अप कर दूं तो ये शेप ब्रेक हो गई है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप प्लेनर पर काम कर रहे हो तो इसकी शेप बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ कर्व्स पर जाके इसको ओपन कर देंगे तो भी ये प्लेनर ब्रेक हो जाएगा, और दोबारा हम इसे क्लोज करेंगे तो ये वापस ही हमारे पास प्लेनर आ जाएगा। अब अगर आपको इसे मूव करना है तो वो मैं बता देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। इस सरफेस को क्लिक करके हम जाएंगे यहाँ हल पर, और अब हमारे पास इसकी लाइंस शो हो रही हैं। अब अगर हम जाएं यहाँ कंट्रोल वर्टेक्स पर इस सरफेस के, तो अब हमें एडिशन वर्टेक्स शो हो रहे हैं। अगर हम इनको मूव अप या किसी भी साइड पे मैनिपुलेट करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं, जिससे हमारे मॉडल का शेप चेंज कर देंगे तो ये 3D लुक में शो होगा। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूँ एक और तरीका जिससे हम सरफेस बना सकते हैं कर्व से, और वो तरीका है एक्सट्रूड का। अब एक्सट्रूड करने के लिए टू टाइप ऑफ कर्व्स चाहिए होते हैं जिसे हम सरफेस बना लें। तो फर्स्ट होता है आउटलाइन, जिसे कहते हैं शेप, और उसके बाद वो शेप रन करती है सेकंड कर्व में, जो होता है हमारा पाथ। तो हम एक शेप बना लेते हैं और एक पाथ। तो अब हमारे पास एक सिंपल सा शेप है और ये है हमारे पास पाथ। तो हमें एक्सट्रूड करने के लिए पहले शेप को सिलेक्ट करना होता है, और उसको सिलेक्ट करके अब हम अपने पाथ को सिलेक्ट करते हैं। अब हम जाएंगे यहाँ सरफेसेस पर, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे हम एक्सट्रूड पर। तो अब ये जो हमारा सरफेस बन गया है, इसमें थोड़ा मसला है और ये फिक्स नहीं है। तो उसके लिए अब हम जाएंगे एट्रीब्यूट एडिटर पर। अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन है फिक्स्ड पाथ का। अब अगर हम इसे इनेबल कर देंगे तो अब हमारा जो सरफेस है वो लाइन के साथ सिंक हो गया है। अब हम इसे स्केल भी कर सकते हैं और रोटेट भी, और यूज़ कंपोनेंट पिवट पर जाके हम इसका पिवट भी चेंज कर सकते हैं। वो मैं चाहता हूँ कि आप खुद करें। और उसके बाद हम जाएंगे एक्सट्रूड टाइप पर, और यहाँ आप सिलेक्ट करें फ्लैट पर, तो ये सेंटर से ख़राब हो गया है। और अगर हम क्लिक करें अब यहाँ जाके डिस्टेंस पर, तो ये बस आउटलाइन को एक्सट्रूड कर रहा है। तो अब हम इसे ट्यूब ही रहने देते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट था। अब अगर हम सीन में जाके इस शेप को मैनिपुलेट करेंगे तो ये जो हमारा रिज़ल्ट है वो डिफरेंट आएगा इसके शेप को चेंज करने से। तो बस ये था नर्व्स।
अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा पॉली मॉडलिंग से मॉडल करना। तो डू लाइक एंड कमेंट ऑन माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब इट आल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन टू। थैंक्स।